Hi, dear students of class tenth. You all are warm welcome in lecture number one unit first subject economic. This day I have brought to you lecture on two topics number one economy and economics. Number two Economic Importance of Primary Sector. Let's start. Economy and economics. The term economy refers to activities related to the production and dist distribution of goods and services in a particular geographic a region. Now I will go through bilingual. Let me एक्सप्लेन इन उर्दू इकॉनमी एंड इकोनॉमिक्स इकॉनमी होता है वसाइल कोई भी जरिया जिससे हम इस्तेमाल करके पैसा कमा सकें और इकोनॉमिक हो गया पैसा माशियत अब हम डेफिनेशन आपको बताते हैं इकॉनॉमी की द टर्म इकोनॉमी रेफर टू एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन इकॉनमी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ जैसे पैदावार और तकसीम ऑफ़ गुड्स चीज़ों की एंड सर्विसेज़ इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन पहले हम किसी चीज़ की पैदावार करते हैं मान लो हमने अगर वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन की पहले उससे उगाया और फिर जब उगा लें तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फिर उसको तकसीम करना है यानी वो भी हमारे पास एक गुड है यानी एक चीज है जिससे हमें पैसा आ सके जब हमारे पास सब्जी अगर हमने पैदा कर ली फिर उसके बाद हमने उसे बेचना है एज ए गुड और सर्विसेज देनी है एक पार्टिकुलर रीजन में यानी खास इलाके में अब इसमें सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर जो है क्या है वो प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर विच मेनली डील्स विद एक्सट्रैक्शन कल्टिवेशन ऑफ गुड्स एंड नेचुरल रिसोर्स सच एज माइंस लैंड एट्सट्रा और नंबर टू पे आता है ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्राइमरी सेक्टर की बात करें हम प्राइमरी सेक्टर जो है वो किससे डील करता है एक्सट्रैक्शन यानी किसी चीज को निकालना किसी कहीं से और फिर जैसे एक्सट्रैक्शन जैसे हम लोहा ज़मीन से निकाल निकालते हैं कल्टीवेशन जैसे हम सब्जी उगाते हैं या कुछ और फसलें उगाते हैं और फिर नेचुरल रिसोर्स से हमें क्या मिलती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं ना बाहर निकालते हैं जैसे माइन लगा के लोहा निकाला जाता है सोना निकाला जाता है हीरा निकाला जा सकता है ये प्राइमरी सेक्टर्स हैं अब इसमें जो है प्राइमरी सेक्टर में क्या है ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्राइमरी सेक्टर में हम जो है पैदावार बढ़ाते हैं प्लांट्स की यानी फलदार पेड़ पौधों की बात कर लें सेब के दरख्त साड़ियों के दरख्त अखरोट के दरख्त और ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में तो और एनिमल्स जैसे हम जानवर पालते हैं बकरियां भेड़ ये गाय जमींदार तबके के लोग जो हैं ये चीज करते हैं क्यों ताकि अगर उनके पास भेड़ बकरियाँ हो तो वो उनकी पैदावार बढ़ा के उनको बेच सकते हैं ताकि उन्हें इकनॉमिक इनकम आए यानी उनमें पैसा आए और सेकेंडरी में क्या है सेकेंडरी में हम क्या करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में इज सेकेंडरी सेक्टर इज द सेक्टर विच डील्स विद प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है जैसे कोई धात निकालते हैं जमीन से वो पहले राह होती है खाम जैसे लोहा है लोहा भी जमीन से निकाला जाता है वो पहले खाम होता है फिर उसको फैक्ट्रीज़ में डाल के एक रिफाइन किया जाता है और फिर आज वहाँ से फिनिश होकर आता है तो फिर उससे हम चीज़ें बना सकते हैं जैसे गाड़ियाँ बनती हैं खिड़की दरवाजे लोहे के बनते हैं बिजली के खम्भे बनते हैं तरह तरह के ब्रिजेज बनते हैं बहुत सी चीज़ें जैसे हम लोहे से बना सकते हैं टेरिटरी सेक्टर फिर एक आता है उसमें क्या है टेरिटरी और सर्विस सेक्टर इज द सेक्टर विच डील्स विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ बैंक इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग अगर माल टेरिटरी का सेक्टर आता है यानी किसी के पास बहुत ज्यादा ज़मीन है वो अपनी जमीन जो है गिरवी रख के कहीं से इंश्योरेंस ले सकता अगर आपके पास दो सौ कनाल या डेढ़ सौ कनाल जमीन है या पचास कनाल जमीन है आप जो हैं, अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप अपनी जमीन गिरवी रख के बैंक से जो है पैसा ले सकते हो इंश्योरेंस से पैसा ले सकते हो वेयर हाउसिंग यानी अगर आपके पास बड़ी जमीन है तो यानी आपकी जमीन में कोई गोदाम खोला जाए आप वो जमीन दे के वहां से पैसा हासिल कर सकते हो तो ये थे तीन सेक्टर

अब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो प्राइमरी सेक्टर है वो है वो लोगों को हमारे जे के स्टेट के लोग जो हैं तकरीबन अस्सी परसेंट लोग जो हैं इस पर दारदार हैं पीपल एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर अर्न मनी बाई सेलिंग द एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स फ्राम फॉर इनकम एंड लाइवलीहुड कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में जो है मसरूफ है यानी उनके जमीन से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं यानि वो उनका जरिया बनता है सोर्स ऑफ इनकम बनता है पैसे का जरिया बनता है किसी ने टमाटर की फसल लगा दी किसी ने प्याज लगाए ऐसे ऐसे तरह के कुछ कल्टीवेशन करते हैं यानी किसी ने ब्रिंजल के कल्टीवेशन की तो जब कल्टीवेशन करने के बाद जब वहाँ से प्रोडक्ट आएगा तो वो मार्केट में जाके बेचेगा और वहाँ से इनकम आएगी और यही इनका जरिया बनता है लाइवलीहुड का यानी जिंदगी गुजारने का ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग अवर कंट्री अर्न देयर लाइवलीहुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्राम एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री जो है इंडिया यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से वाबिस्त हैं खेती बाड़ी से वाबिस्त तो खेती बाड़ी करके जो है वो अपना रोज़गुजार चलाते हैं और पैसा कमाते हैं एग्रीकल्चर क्या चीज है चले आते हैं डिस्कस करते हैं इस पर एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज कल्टिवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स यानी एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसे प्लांट्स लगाने हैं जहाँ से हमें फल मिले तो उनको हम एग्रीकल्चरल प्लांट एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स कहते हैं

बात कर रहे हैं अगर हमारे दादा ने कोई पेड़ लगाया है अखरोट का मान लीजिए तो अखरोट जब बनेंगे तो वो भी एक इनकम का जरिया बन सकता है हमारे लिए यानी हमारे दादा ने भी उस उसे पेड़ को लगाया फिर हमारे वालिद साहब आते हैं फिर उन्होंने उसका फायदा लिया फिर हम हमारे वालिद साहब के बच्चे आते हैं वो भी उसका फायदा लेते हैं यानी कि वो एक जनरेशन टू जनरेशन चलता है वो दरख्त जब तक उसके अंदर जान होती एग्रीकल्चर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप फॉर सबेंस एज वे कमर्शियल एग्रीकल्चर जमींदारी इसलिए की जाती है कि हम कुछ क्रॉप उगा सके फॉर सबसिसटेंस ताकि हमें सहारा मिल सके कि हम इसको बेच के पैसा कमा सकते हैं और अपने लिए रोटी का इंतजाम कर सकते एज वेल एज कमर्शियल परपज यानी मार्केट में भी बेच सकते हैं इन अदर वर्ड्स इट इज यूज़ यानी हम वगैरह फसलें उगाते हैं उसमें हम पर्सनल यूज के लिए भी उगाते हैं और फॉर अर्निंग ऑफ मनी और पैसे उगाने के पैसे कमाने के लिए भी द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन our स्टेट आर हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें कितनी तरह की फसलें उगाई जाती हैं राइस चावल मेज़ मक्की पल्सेस, दालें और वीट गंदम ये चार तरह की फसलें हमारे स्टेट में उगाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का जरिया ही जो है मक्की है क्यों वो मक्की बीजते हैं और फिर जब मक्की बीजने के बाद उसे कलेक्ट करते हैं एक जगह पे और कहीं मुश्किल हालात में अगर गरीब लोगों के पास कहीं खाने की कमी हो गई तो वो अपना मक, अपनी मक्की उठा के घर की तरफ चलते हैं और वहां से पिसवा के लाते हैं मक्की का आटा और फिर अपनी नफ्स को पूरा करते हैं तो ये चार पांच तरीके हमारे फसलें हैं जहाँ से लोग जो है रोटी खा सकते हैं सुकून से तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ